बैक टू जीवा हेल्थ शो। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपके प्रॉब्लम्स का आयुर्वेदिक उपचार दूरभाष के माध्यम से। तो कॉल कीजिए नंबर्स पर जो फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर। डॉक्टर साहब जी, वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छे से आप बता रहे थे हियरिंग प्रॉब्लम्स के विषय पर, लेकिन फिलहाल वक्त आ गया है टू हियर आउट वन ऑफ द पेशेंट्स ऑफ जीवा आयुर्वेद, जिनको आपके यहाँ से ही बहुत अच्छा उपचार मिला है। लेट्स हियर, देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौधरी, दिल्ली विश्वविद्यालय की रिटायर्ड प्रोफेसर। मुझे चौहान साहब से, प्रताप सिंह चौहान से मिलने का सौभाग्य मिला, उनसे अपॉइंटमेंट लिया और मैंने उनको अपनी सारी बीमारियां बताई। बहुत समय से मैं खांसी से, इंडाइजेशन से, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, जॉइंट पेन भी था, लेकिन मुझे किसी ने बताया और मैंने टीवी पे भी देखा चौहान साहब को, तो मैं उनसे प्रेरित होकर उनसे मिलने का मैंने समय लिया और मैं उनसे मिली। उन्होंने दवाइयाँ भी बहुत बताई और वो दवाई लेकर मैं चली गई, वापस चली गई, मुझे थोड़ा सा आराम भी मिला। और ये जीवा, इनका क्लिनिक यहाँ फरीदाबाद में है। फिर मैंने यहाँ आने का 7 दिन का कोर्स लेने का निश्चय किया और मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ, वो भी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनके साथ हम यहाँ 7 दिन रुके और यहाँ का ट्रीटमेंट लेके मुझे बहुत आराम मिला है। 7 दिन में ही बहुत कुछ परिवर्तन आया है, जॉइंट पेन में भी, इंडाइजेशन में भी, जो भी मेरी बीमारियाँ थी उन सब से मैं त्रस्त थी। आज मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है और मैं सबको परामर्श यही दूंगी कि जो भी इस तरह की बीमारियों से, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो, उसका बहुत ही अच्छा इलाज यहाँ किया जाता है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जय हिंद। वाओ, सो नाइस डॉक्टर साहब, इनकी मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि इतनी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी और सभी का सलूशन इनको मिल गया। देखिए, सलूशन क्यों मिलता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शक भी जरा ध्यान से सुने। जैसे इन्होंने कहा टीवी पे देखा, टीवी पे बहुत कुछ आता है आजकल, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, लेकिन जीवा में क्या अलग है? जीवा का प्रोग्राम, जीवा हमारा हेल्थ शो क्यों अलग है? क्योंकि ये जो शो नहीं है, इसके पीछे एक टीम है पूरी, कम से कम 300 डॉक्टर्स की टीम है, सारे आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं हमारे यहाँ पर, 300 डॉक्टर्स की टीम है। उसके पीछे हमारी अपनी फार्मेसी, अपनी दवाइयाँ बनाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम बाहर से कोई दवाई लेकर के किसी को देते हैं। क्योंकि टीवी में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लोग प्रोग्राम देते हैं आजकल, बहुत सारे टीवी शो आते हैं जी, तो ज़रूरी नहीं उनके पीछे इतना बड़ा। फिर हमारी रिसर्च की पूरी टीम है, जैसे इन्होंने बताया कि इनका जो रोग था क्रॉनिक रोग था, ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, तो हमारी पूरी रिसर्च टीम है जो, जिनका केवल इतना ही काम, यही काम में लगे रहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस हैं जो हम अपने आयुर्वेद से क्या उन नुस्खों को निकालें, उन क्लासिकल फॉर्मुलेशंस को, फिर बाकायदा हम उनको एक पूरी हमारी मीटिंग बैठती है, बोर्ड हमारा एक डॉक्टर्स का बोर्ड है वो बैठता है, फिर उसमें हम डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से हमें इसका एक्शन प्लान कैसे बनाना है। तो जीवा जो है, आप टीवी शो तो देखते ही हैं हमारा और आपको पसंद भी आता है, लेकिन जो पीछे जो बैकएंड पर काम हो रहा है वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड काम है, बहुत बड़ी टीम है एक जी। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो लोग आते हैं वो वास्तव में ही उनको आराम भी आता है, ठीक भी होते हैं, और जैसा कि आप सुनते हो कितने लोग बताते हैं इस प्रकार का, कम से कम हमारे पास अभी जो डेटाबेस है 60 लाख पेशेंट्स का कॉन्टैक्ट बेस हमारे पास है, एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड। ये जीवा में हम बड़ा काम करते हैं कि हर पेशेंट का जो भी उसकी हिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड, फिर उसका फॉलोअप होता है। ये चीज़ें दर्शकों को हम कभी कभी बताते नहीं हैं, चलो अभी क्योंकि कुछ लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हमें भी थोड़ा संकोच होता है कि हम अपनी अपनी बात करते रहें, नहीं, संकोच लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमें, हमारे बारे में बात कर रहा है तो हमें थोड़ा दर्शकों को ये बताना भी पड़ेगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी चिकित्सा के लिए कहीं जाएं तो ऐसी जगह पर जाएं जो वास्तव में ऑथेंटिक भी हो, जहां प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली, चिकित्सा पद्धति को फॉलो किया जाता है, और मॉडर्न रिसर्च भी जहां पर हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, केवल आयुर्वेद नहीं, उसमें साइंटिफिक रिसर्च भी साथ में है। और ऐसा जो जगह है वो जीवा आपके साथ है, हम जुड़े हुए हैं, आपको जब भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, निसंकोच, बिना किसी हिचक के आप केवल एक कॉल करिए, हम आपके पास मौजूद रहेंगे। वाओ, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, और सुनने से याद आया कि हियरिंग प्रॉब्लम्स के विषय पर जो हम बात कर रहे थे। हाँ जी, तो आपने पूछा कि एक तो सुनता नहीं है लोगों, उसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम? जी जी, देखिए कान की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है,
जिनका के कई बार हम लोगों को मालूम भी नहीं होता। कभी कभार लोगों को ना चक्कर आता है, जैसे वो खड़े होते हैं या वो बैलेंस नहीं बनता, ये भी कान की प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, क्योंकि कान के अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, वो जब सूख जाता है तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम कान की है टिनाइटिस, उसको बोलते हैं, कान में आवाज़ें आना, जैसे वीजिंग साउंड, जैसे कुछ अंदर तूफान आ रहा है, कुछ हवाएं चल रही हैं, ऐसी जो आवाज़ें आती हैं वो भी कान की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अतिरिक्त जो है कान में पस पड़ जाता है, आपने सुना होगा कई बार छोटे बच्चों में भी कान में पस पड़ जाता है, या कान ब्लॉक हो जाता है, वैक्स अंदर सूख जाता है, वो भी एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम सुनने में आई है, बच्चों के में भी देखी जाती है कि कान का जो पर्दा है उसमें छेद हो जाता है, ये भी एक कान की प्रॉब्लम है। इसके अतिरिक्त जो इंटरनल ईयर हमने बताया उसमें जो हमारी नर्व है, अगर नर्व में कोई डिफेक्ट आ जाए, नर्व सूख जाए, ड्राइनेस आ जाए, तो सिग्नल वहां तक पहुंचता नहीं है जो हमारे हियरिंग सेंटर है। फिलहाल तो सिग्नल हमारे कॉलर का यहां तक पहुंच रहा है डॉक्टर। चलो पहले उनका सिग्नल हम कैच कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। नमस्ते, आपका नाम? उमा रिजवानी। उमा जी कहाँ से बोल रही हैं आप? इंदौर से। हाँ जी उमा जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या पूछना है बताइए। मेरे फेस पे काले काले दाग हो गए हैं, नाक पे। अच्छा, नाक के ऊपर दाग है या दाने हैं? काले दाग, जो झाइयां जिसको बोलते हैं, छाया। अच्छा, हो गए हैं। अच्छा, कब से हो रहे हैं? पिछले साल से, विंटर भी हुई था पिछले साल। तो कुछ इलाज किया आपने? नहीं, मैं घर के एलोवेरा, ये टमाटर, ये लगाती, घर की चीजें ही लगाती हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ किया लेकिन आराम नहीं मिला उसे? नहीं, फायदा नहीं हुआ। देखिए आपको दो तीन चीजें बताता हूँ, अभी फायदा शुरू हो जाएगा आपको। हाँ जी। सबसे पहले संतरा होता है ना जो, हाँ। संतरे का छिलका है, संतरा खाइए, छिलका फेंकिए मत। अच्छा। छिलके को रख लो, ताजा है तो उसको थोड़ा रब करो उसके ऊपर आप, है, और सूखा है तो उसका पेस्ट बना लीजिए, सूखे का पाउडर बना के पेस्ट बना के लेप कर सकते हैं उसके ऊपर। हाँ। बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि उसमें कुछ एक एसिडिक तत्व होते हैं जो अंदर डीपर हमारे त्वचा के पोर्स में जाकर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं वहां से। दूसरी चीज, हाँ। बेसन आपके घर में होगा? हाँ। बेसन ले लीजिए 50 ग्राम, उसमें 5 ग्राम हल्दी मिला लीजिए, और कच्चे दूध में मिला करके पेस्ट बनाइए इसका, और वो लेप सप्ताह में 2 बार आप इसको ऐसा लगाइए वहां पर। और लेप लगाने से पहले थोड़ा, अगर संतरा नहीं है तो नींबू या नींबू का रस लेके उससे थोड़ा जेंटल मसाज करें, गर्म पानी से वॉश करें, फिर उसके बाद लेप लगा लें, तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार बताता हूँ आपको, जब भी शरीर में कोई रोग आए, चाहे वो झाइयाँ हैं, चाहे कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, दैट इंडिकेट्स कि हमारे इंटरनल सिस्टम में कहीं ना कहीं इम्बेलेंस हुआ है, उसको हमें ज़रूर पता लगाना है। और वो पता लगाने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको एक परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कभी कभार आप अपने बारे में पूरा एनालाइजेशन नहीं कर पाते। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं रोगी परीक्षा। रोग तो मालूम है आपको कि झाइयाँ हो गई हैं, आपने ट्राई भी किया, टमाटर लगाया, ये किया, लेकिन आप जो रोगी हैं स्वयं, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो आपको नहीं पता। उसको पता लगाने के लिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको बात करनी पड़ेगी। इंदौर में आप रहते हैं, इंदौर में जीवा की क्लिनिक है, वहाँ जा करके आप हमारे डॉक्टर से मिल सकते हैं। आपके पास हमारा सेहत का नंबर है, डायल करिए तुरंत आइए। तो ये शुरू करिए, आप जल्दी ठीक होंगे, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है उमा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। तो डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का जी। तो दोस्तों, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन आप लोग हमें कॉल करते रहिए ऑन दीज नंबर्स फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। घर घर आयुर्वेद, इस मिशन के तहत जीवा आयुर्वेद ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के कई शहरों में जीवा आयुर्वेद सेंटर्स की स्थापना की है, जहाँ आप पा सकते हैं अपने किसी भी रोग के लिए एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स की राय और उपाय। जीवा आयुर्वेद के किसी भी सेंटर से जुड़ने के लिए आपको याद रखना है सिर्फ एक नंबर, यानी आपकी सेहत का नंबर, 01294040404।